कुरुक्षेत्र में आज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि एक वक्त था जब खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण वो अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। आज अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा में खेल और खिलाड़ियों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि पूरे विश्व में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी विशेष पहचान कायम की है, वे देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता था, लेकिन उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है पहले जमाने में कुछ नहीं देती थी। फिर सिर्फ अर्जुन अवार्ड के लिए 5,000 रुपए ऑनर के रूप में प्रतिमा देने लगे, लेकिन ना तो खेल रत्न को मिलता था, सबसे बड़ा अवार्ड खेल रत्न है, हमारे अभी नीरज भाई को मिला है, तो उसके लिए स्टेट ने, चाहे वो खेल रत्न हो, द्रोणाचार्य हो, अर्जुन अवार्ड हो, ध्यानचंद अवार्ड हो, 20,000 रुपए प्रतिमा पेंशन के रूप में लगा दिए हैं।